हेलो दोस्तों, स्वागत है और इस ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी जो हम आए हुए हैं चास के मोहन बाजार रोड में, यहाँ पर देखिए चास के बाजार पर आए हुए हैं। यहाँ पर आए हैं चास के मेन बाजार के पास में, जहाँ पर जो है राम राजा मेला लगता है, मेले के पास में दोस्तों। यहाँ पर चलिए आप ब्लॉग में बने रहिए, इस मेले में क्या खास है चलिए हम बताते हैं आपको। ये देखिए मेन बाजार का मेन गेट है, जहाँ पर जो है छोटा सा यहाँ पर पंडाल बना दिया गया है, साथ में वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी है इसके पास में। तो चलिए इसके अंदर में घुसते हैं। यहाँ पर जाते जाते ये है मेन गेट, यहाँ से जो है राम राजा मेला घुसा जाता है। चलिए मैं घुसता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ यहाँ पर भीड़ से बचते हुए। ये बहुत ही पतला सा गली है, गली में मेला लगना बहुत ही ज़्यादा भीड़ जमा हो जाता है गली के पास में। चलिए बढ़ता हूँ आगे की तरफ। और ये देखिए ये है राम राज का मंदिर, यहाँ पर जो है भगवान श्री राम का मंदिर है यहाँ पर। और ये मंदिर है, यहीं पर जो है मेला लगता है, बहुत सारे लोग आए हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है। दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत भयानक भीड़ है, तो अभी हम घुस नहीं पा रहे हैं, घुसे हैं बहुत सख्त से, और बने रहे ब्लॉग में जो है इसका पूरा नज़ारा हम दिखाएंगे। इस छोटे से गली के पास में ही देखिए यहाँ पर पूजा करने के बहुत सारे सामान जो है बिक रहे हैं, और यहाँ पर साइड साइड में दुकान ही दुकान लगा दिया गया है, जिससे भीड़ जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर देखिए साइड साइड में बहुत ही अच्छे अच्छे दुकान है, जो भी सामान आप लेना चाहते हैं इसमें जो है सब घरेलू सामान इस साइड में है, और इधर जो है सारे जो है लेडीज़ के लिए सामान बिक रहा है इस साइड में। देखिए यहाँ पर एक से एक ब्रांडेड खिलौने भी बिक रहे हैं यहाँ पर। यहाँ इधर जो है हर एक सामान बिक रहा है, हर एक सामान मतलब 50 रुपये में प्रति पीस, जो भी लेना है इधर फिक्स रेट का दाम है, जो भी लेना चाहते हैं आप सब दाम फिक्स है। यहाँ पर जो है इस मेले में बहुत सारे दुकान लगाए गए हैं, जिससे जो है भीड़ जमा ज़्यादा हो जाता है। इस मेले में जो है थोड़ा एरिया खोज रहा था मेले को जमाने के लिए, यहाँ पर जो है एरिया नहीं है, बहुत कम एरिया है, ऐसा मान लग रहा है कि जैसे गली है। और ये है मंदिर, यहाँ पर ये है मंदिर जहाँ पर जो है पूजा पाठ होता है, और यहीं पर जो है मेला लगता है मंदिर के पास में। चारों साइड में जो है गली है, गली है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, आप ब्लॉग में बने रहिए। यहाँ पर जो है भगवान राजा राम की मूर्ति लगी हुई है, देख सकते हैं यहाँ मेले के पास में ये मूर्ति है जो यहाँ पर बनाई हुई है। और यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु जो है दर्शन करने आ रहे हैं, और भी साइड साइड में मूर्ति है, लेकिन पास में जा नहीं पा रहे हैं, भीड़ थोड़ा है तो उधर थोड़ा जा नहीं पा रहे हैं। और ये है मंदिर, यहाँ पर ऊपर चाहे सुपारी कटर लीजिए या फिर काटू लीजिए, बैंठिन लीजिए, जो भी है यहाँ पर कुदाल, बहुत सारे लोहे का घरेलू सामान होता है, वो सारे सामान जो है यहाँ पर बिक रहा है। यहाँ से ले के वहाँ तक हर जगह पर है, यहाँ पर घरेलू सामान ही बिक रहा है। दोस्तों इस मेले में जो हम पहले आए थे, तो लगभग कम से कम 6-7 साल पहले इस मेले में आए हैं, उसके बाद जो है इस मेले में आए हैं। इससे पहले 6-7 साल पहले आए हुए थे इस मेले में, तब भी जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत कुछ सामान को हटा दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए जो लगा रहता था, क्या बोलते हैं वो सब उछलने के लिए, वो सब यहाँ पर बंद कर दिया गया है, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता था, तो इसीलिए यहाँ पर उसे हटा दिया गया। और इधर है बाहरी साइड जहाँ से है आप एग्जिट कर सकते हैं, ये पीछे की साइड में है, इधर भी जो है बहुत ही ज़्यादा दुकान लगा हुआ है, यहाँ पर सब्ज़ी मंडी लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर सब्ज़ी बिक रहा है, आप घर के लिए सब्ज़ी ले सकते हैं, यहाँ पर गाजर बिक रहा है, खीरा बिक रहा है, हर जगह जो यहाँ पर सब्ज़ी बिक रहा है, इस साइड में सब्ज़ी मंडी है इधर, और इधर से भी एंट्री कर सकते हैं। इधर जो है लगाया हुआ है बच्चों को खेलने के लिए, जो उछल कूद होता है वो सब इधर लगाया हुआ है, तो उधर जो है मेले के पीछे जो एक एरिया है वहाँ पर इसे लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो है बच्चों का खेलने के लिए सुविधा उपलब्ध है, इसे इस जगह को शायद बढ़ाया गया है बाद में, पहले इधर नहीं बढ़ाया जाता था, काफ़ी भीड़ हो जाता था, लेकिन अभी जो है बढ़ाया हुआ है। देखिए यहाँ पर इधर बच्चों के खेलने की जो सुविधा है वो सारे उपलब्ध है, इधर एक से एक है। यहाँ पर इधर जो है देखिए
चल रहा है, बच्चों जो खेल रहे हैं यहाँ पर चढ़े हुए हैं, मस्ती कर रहे हैं, और वो है उछलने का, इसमें घूम रहे हैं, मोटराइज सिस्टम है जो कि यहाँ पर घुमा रहा है इसको। और इधर जो है देखिए वहाँ पर कार है जो घुमाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ पूरा मेले में CCTV कैमरा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पूरा मेले में CCTV कैमरा लगाया हुआ है, तो यहाँ पर आप कुछ भी गलत हरकत करते हैं तो पकड़े जाएंगे CCTV कैमरा की मदद से। और यहाँ पर नौका देखिए, नौका चल रहा है जो मज़ा ले रहे हैं चढ़ के, हम भी चढ़ेंगे यहाँ पर और नौके का मज़ा लेंगे दोस्तों। ये नौका बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर से लोगों को मज़ा दे रहा है। ये है जहाँ पर बच्चे जो है उछल के मज़ा ले रहे हैं, देखिए काफ़ी खुश है उछल के मेले में। और ये है कचरा गोदाम, जिधर जो साइड में कचरा कर रखा है लोगों ने, और यहीं पर देखिए नौका का मज़ा ले रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो है नौके का मज़ा लेने के लिए हम भी चढ़ने का कोशिश करेंगे, देखते हैं कितने टाइम में लाइन लगता है। जलंधर की जो हवा टाइप हो गई है जब ऊपर की तरफ जाता है, तो दोस्तों आप ब्लॉग में बने रहिए, हम बढ़ते आए की तरफ। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोला चाट बिक रहा है इधर से लेके उधर तक, इस लाइन में सिर्फ छोला चाट ही चाट है। यहाँ पर जो है आप छोला चाट का मज़ा ले सकते हैं, मेले में आए हुए हैं तो बहुत सारे लोग जो है मेले में आए हुए हैं और मज़ा ले रहे हैं यहाँ पर घूम के। ये मेला जो है काफ़ी ज़्यादा घूमने में मज़ा आता है, लेकिन यहाँ पर जगह थोड़ा हमें कम लग रहा है, जो कि अभी तो थोड़ा इस साइड में थोड़ा खाली है, लेकिन थोड़ा समय बाद शाम के टाइम में ओवर भीड़ हो जाता है, जहाँ पर जो है आप घूमना मुश्किल हो जाता है, इतना ज़्यादा भीड़ हो जाता है। तो उस मेले में कैसे आप घूम सकते हैं, इतना ज़्यादा भीड़ हो जाएंगे तो मज़ा नहीं ले सकते हैं, उसमें सिर्फ धक्का लगेगा और कुछ नहीं, उसमें जो है सिर्फ धक्का लगेगा और उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, मेले घूमने में मज़ा नहीं आएगा ज़्यादा धक्का मुक्की करके। ये जो है पूरा मेले का नज़ारा है, जो कि यहाँ पर राम राजा चास में जो लगता है, चास के मेन बाज़ार के पास में है ये मेला, यहाँ पर जो काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर इस मेले का एंजॉय करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अभी हम पूरा मेला घूम लिए हैं और निकलेंगे अभी, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत देर हो चुका है, तो यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे और निकलेंगे इस मेला में से निकलेंगे। और यहीं पर जो है ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। ब्लॉग यदि अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दें।